तो बूंदी रायता बनाने के लिए हमें चाहिए बूंदी, तो ये मैंने रेडीमेड बूंदी लिया है। उसके बाद हमें चाहिए दही, तो ये मैंने आधे कटोरी दही लिया है। तो सबसे पहले हम अपनी दही को तैयार कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे एकदम स्मूथ बना देंगे। तो एक हैंड विस्कर से हम इसे मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। ये देखिए, ये काफी स्मूथ हो चुका है पहले से। अब हम इसमें करीब आधा कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल हमें इसी तरह का चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर और अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो दही है बिल्कुल तैयार है, इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल देंगे। तो अब हम बूंदी को रेडी कर लेते हैं। हमें छोटे कटोरी से थोड़ा सा दही लेना है, इसमें 1 कप पानी मिलाना है। तो पानी मैंने थोड़ा सा गर्म लिया है और अब हम इस मिक्सचर को बूंदी में डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, 10 मिनट के बाद ये काफी फूल गया है। तो अब हम इसको दही में डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा जो बूंदी रायता है बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो बूंदी रायता है बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, बूंदी का रायता जो है बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए।